नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि एयरटेल मित्र एप्लीकेशन से किसी भी ग्राहक का कस्टमर और रीवेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो इसके लिए हम लॉग इन करते हैं अपना एयरटेल मित्र एप्लीकेशन, बाकी का प्रोसेस आपको वहीं से दिखाते हैं। लॉगिन कर लिया है हमने अपना एयरटेल मित्रा एप्लीकेशन, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमको दिख जाता है कस्टमर री वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर हमको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस कस्टमर का आप री वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो उसका नंबर हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, नंबर एंटर करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे। नंबर मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर जिस ग्राहक का आप रीवेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हो तो उसके नाम के लास्ट के तीन अंक दिखेंगे और जो लास्ट नेम होगा उसके भी लास्ट के आपको तीन अंक देखेंगे। तो दोस्तों इतना देखने के बाद यहाँ पर उस ग्राहक का यहाँ पर टाइप करोगे और आप किससे रीवेरिफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो हम आधार कार्ड से यहाँ पर ग्राहक का रीवेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और यहाँ पर बैक साइड का फोटो हमको पर ले लेना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इस काम को पूरा कर देता हूं। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फोटो ले लिया है आधार कार्ड का। अब यहाँ पर कस्टमर का हमको लाइव फोटो लेना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बैक या फ्रंट कैमरे से कस्टमर का एक लाइव फोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों आधार कार्ड का बैक और फ्रंट फोटो ले लिया और कस्टमर का यहाँ पर लाइव फोटो ले लिया। अब हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाना है अब हमें। इतना करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमको एक राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे इसके बाद एक नीचे की तरफ राइट क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर टैप करोगे तो आपके सामने एक प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिट, यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुकी है। सिम रीवेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल नंबर, ये है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हैज़ बीन सबमिटेड, द रिक्वेस्ट आर करंटली अंडर रिव्यू, देन स्टेटस विल बी अपलोडेड इन 24 आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमने जो रीवेरिफिकेशन किया है ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपकी दुकान पर कोई भी ऐसा ग्राहक आता है जिसकी काफ़ी पुरानी सिम है तो आप उसकी सिम का रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं लेता हूँ इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।